और भय को उत्पन्न समाप्त करना एक बड़ा कार्य है, इसको करने की जरूरत है। सर, अस्पताल रोगी का हितैषी होना चाहिए। ये जब प्रकाश विश्वविद्यालय में है, हमारे माननीय पांडे जी और हमारे संजय भाई बैठे हुए हैं, वहां मैं जानता हूं दुबई में लड़का नौकरी कर रहा है, उसे सर्टिफिकेट के लिए नौकरी छोड़ के आ जानी पड़ती है, उसे समय से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, अंक पत्र नहीं मिलता है। जब प्रकाश विश्वविद्यालय की 14 की परीक्षा नहीं हुई है, भारी अराजकता के दौर से जब प्रकाश विश्वविद्यालय गुजर रहा है, इसी तरह मिलते जुलते और विश्वविद्यालयों की स्थिति है। इसको भी हमें चुनौती के पूर्ण लेना है। अगर इन चीजों का समाधान हम लोगों ने नहीं दिया तो सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व जनता के निगाहों में कम हो जाएगा। जब लड़का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मालाकार जी आए हुए थे सारण में, हमारे साथ एक श्राद्ध में गए, वहां एक आदमी ने हमको घेर कर कहा कि 14 में हमारी लड़की का नामांकन हुआ था बीए में, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, शादी नहीं हो रही है। ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, इन चीजों का समाधान हमें देना होगा। और यह जो हमारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, उसका बजट हम नहीं देते हैं, कोई बजट नहीं है, सारा रुपया वे 1600 और 1500 के हिसाब से, मैं नहीं जानता हूँ, माननीय पांडे जी बताएंगे परीक्षा भरने में कितना लगता है, शायद इतना ही लगता है प्लस टू में और मैट्रिक में। ये सारे पैसे इकट्ठा करके और कंप्यूटर के नाम पर आप पूरे बिहार को दुर्व्यवस्था फैली हुई है, उसको संयमित नियमित करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा, अब संक्षेप की दिशा में बढ़े, बहुत सारे सदस्यों को बोलना है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, तुरंत समाप्त करूंगा। आपका जी आदेश हो गया, मैंने नहीं, आदेश दिशा में बढ़ने के लिए कहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि कबीर और पूरा मध्यकाल कोई कंप्यूटर से नहीं पढ़ा था, परंतु पूरे मध्यकाल को आंदोलित करने का काम और पूरे हिंदुस्तान की साहित्य को प्रभावित करने का काम, समाज को प्रभावित करने का काम पूरे भक्ति काल के संत कवियों ने किया था, जिसका नेतृत्व कबीर कर रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा दृष्टि देती है, दृष्टि देने की कोशिश चंपारण महोत्सव के माध्यम से और एक बड़ा सेमिनार कराकर, जिसमें हमारे मित्र हरिवंश जी को बुलाकर, रमाकांत जी को बुलाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाकर आपने किया, उस दृष्टि को पैदा करने की जरूरत है। सरकार चाहती है, हम तमाम लोगों को उसमें लगना होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। हमारे एक ये स्लिप हमें मिला है कि मैं वित्त रहित शिक्षा पर बोलूं। मैंने अपनी बातों को कहा है, मैंने जब फिनलैंड का नाम लिया, तो मैंने कहा कि फिनलैंड में 100% सरकारी खर्च पर विद्यालय चलते हैं, केजी से लेकर पीजी तक, और वह शिक्षा का तीर्थ बना। अब मैं बात समाप्त कर रहा हूं। यदि शिक्षा से सिर्फ नौकरियां मिले और अंदर की आंख न खुले तो वह शिक्षा बेकार है। शिक्षा वह कुंजी है जो व्यक्ति को मनुष्य बनाती है और राष्ट्र को महाशक्ति। यह हम ठीक से घुमाना सीख लें इस कुंजी को, तो हमारे नौजवानों में इतनी प्रतिभा और परिश्रम की शक्ति है कि हम भारत के एक दो बड़े राज्यों में आ जाएंगे। गांधी ने इसी दृष्टि को अपनाने की बात
1917 में जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से अपने पुत्र मणिमाल को लिखा था तो उन्होंने कहा था। अंतिम बात सर, हमारे पास एक बड़ा उदाहरण है प्राचीन भारत का, राजा रघु वर्तंत और कौत्स का। राजा अपने शिक्षक को देते हुए अघाता नहीं था, चाहता था कि सब कुछ दे दे। शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ अपने विद्यार्थियों को देता था और विद्यार्थी अपना सब कुछ देश राष्ट्र को देना चाहते थे। हमारी ये बड़ी परंपरा रही है, उसी दृष्टि को पैदा करना करने की आवश्यकता और चुनौती हमारे सामने है। अपनी इन बातों के साथ मैं, बिहार सरकार ने जो बड़ा बजट दिया है, अन्य राज्यों 19 राज्यों की तुलना में ज्यादा हमारा बड़ा बजट है, इस बजट का सदुपयोग कैसे हो इस सदन के लिए भी चुनौती है और सरकार के लिए भी चुनौती है, हमारी आपकी भी चुनौती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त